हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है वो है क्या। तो जैसा कि हमें मालूम है, इसकी शुरुआत होती है 1975 में। और किस पर्पज़ से इसकी शुरुआत की जाती है? ताकि जितने भी आपके बच्चे हैं अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज के, उनको हम वो नेसेसरी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करा सके। और न सिर्फ इन बच्चों को और इनकी जो मदर्स हैं उनको भी हम नेसेसरी सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत इनके क्या पिलर्स हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन उनमें से मुख्य जो बातें हैं जिस पर कि ज़्यादा फोकस किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, वो ये है कि ये जो आपके बच्चे हैं और इनकी मदर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। प्री स्कूल एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो भी इन बच्चों को और इनकी माताओं को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज के हिसाब से कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि 1975 में जैसे कि इसको शुरू किया जाता है, लेकिन 1978 में मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट जनता पार्टी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। लेकिन इसको फिर से रीलॉन्च कर दिया जाता है 10th 5-year plan में, तो आपने याद रखना है। आपसे मतलब कि एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा होगा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है इसकी शुरुआत 1975 में होती है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और इसको रीलॉन्च कर दिया जाता है 9th 5-year plan के तहत। तो बी वेरी केयरफुल, आपको मालूम होना चाहिए कि इसको रीलॉन्च किया जाता है 10th 5-year plan के तहत, ठीक है? तो आपने याद रखना है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो भी यहाँ पे सुविधाएं जो है प्रोवाइड करी जाती है, वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? इसको प्रोवाइड करवाया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स से, तो आपने ये भी याद रखना है। और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपने याद रखना है। अब इसके तहत बेनिफिशरीज कौन है, किनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत? तो इसके तहत किसको बेनिफिट मिलेगा, जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं जो कि एज ग्रुप जिनका है 0 से 6 ईयर्स ऑफ एज, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रेग्नेंट वूमेंस इसका बेनिफिट ले सकती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गर्ल्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकती है, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया लिखा गया है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर स्कीम को 1975 में लेके आया गया था, तो आखिर हमें इसको लेके आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार इसके क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उसको किसी तरीके से हम टैकल कर सकें, तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके आया गया था। इसके अलावा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हाई था उस समय में, तो उसको कम किया जा सके, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके आया गया। स्कूल ड्रॉपआउट्स बहुत बढ़ गए थे, उसको कम करने के लिए स्कीम को लेके आया गया। बच्चों में मैलन्यूट्रिशन बहुत आपको देखने को मिल रहा था, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये स्कीम को लेके आया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर स्कीम का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो आपका चाइल्ड है उसका प्रॉपर फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी किया जा सके, ये भी इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल और डेवलपमेंट नीड्स जो है एक बच्चे की, उसको तो खास उस पर ध्यान रखा ही जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी क्या ज़रूरतें होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस पर भी खास नज़र रखा जाता है, और ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। इसके तहत हम बात करें तो जो मेन फोकस एरिया है वो ये है कि जो आपके 0 से 6 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं, तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल और हेल्थ स्टैंडर्ड जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल एज होते हैं। तो इसके अलावा अगर इसमें हम और क्या इसके ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव और ये भी लिख सकते हो कि जितने भी आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उन सभी का यहाँ पे दायित्व ये बनता है कि सभी मिनिस्ट्रीज़ आपस में मिलके काम करें और ये जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है उसको हम फुलफ़िल कर सके, इसको अचीव कर सके, ताकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसको हम ईजीली प्रमोट कर सके, उसको अचीव कर सके। तो आखिरकार जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव सेट करा था इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, तो अब इसको अचीव कैसे किया जाएगा? देखिए, इसको अचीव करने के लिए हमने पिलर सेट किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, मेडिकल चेकअप्स जो हैं वो किए जाएंगे। मेडिकल चेकअप्स किसके किए जाएंगे, जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, जैसे कि आपके 0 से 6 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनका मेडिकल चेकअप होगा, जितने भी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तो ये आपका पहला पिलर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत।
रिकमेंडेशन सर्विसेज, तो ये आपका थर्ड पिलर है। रिकमेंडेशन सर्विसेज क्या होता है, या फिर इसको रेफरल सर्विसेज कहते हो। तो इसके तहत बेसिकली होता क्या है कि अगर आंगनवाड़ी सेंटर में कोई फैसिलिटी इन केस नहीं है वहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि आपको रेफर कर दिया जाएगा। लेट्स से कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है जो कि उस वक्त आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है आंगनवाड़ी सेंटर में, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि उस प्रेग्नेंट वुमेन को रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। दैट मीन्स कि वहाँ से उसको किसी और हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर में उसको भेज दिया जाएगा, तो इसको रेफरल सर्विसेज कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इम्यूनाइजेशन भी इस पर्टिकुलर स्कीम का एक पिलर है, जिसके तहत टीकाकरण वगैरह ये सब किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अवेयरनेस जो है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को और इनकी माताओं को। और जो फाइनली जो सबसे इसका महत्वपूर्ण जो इसका पिलर है वो ये है कि प्री स्कूल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर फोकस दिया जाएगा। तो बेसिकली ये एक फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जब बच्चे गैदर होते हैं आंगनवाड़ी में तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जैसे इम्यूनाइजेशन वाला पिलर हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, रेफरल सर्विसेज हो गए, ये किसके साथ संबंध रखते हैं, ये हेल्थ के साथ संबंध रखते हैं। और इसको कैसे अचीव किया जाता है, किस ये कौन सी संस्था है जो कि इसमें आपकी मदद करती है इसको अचीव करने के लिए, तो ये इसको नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसको अचीव किया जाता है। और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी है उस इंस्टीट्यूशन के तहत इसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। और जैसा कि हमें मालूम ही है, ये जो जितनी भी ये ऑब्जेक्टिव हमने रखे हुए हैं इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके टारगेट ग्रुप कौन है, और कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ये सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा ही, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है ये किसको प्रोवाइड किया जाएगा, 6 साल के कम उम्र के बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स है, वही ये प्रोवाइड करवाएंगे। इम्यूनाइजेशन, तो ये टीकाकरण वगैरह जो है ये किसको करवाया जाएगा, आपके जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टीकाकरण से संबंधित ये सब बातें आ रही हैं, तो इसको कौन सी सर्विस प्रोवाइडर संस्था है जो कि प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मेडिकल फील्ड से कुछ ऑफिसर आएंगे, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह आएंगे इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ चेकअप की बात है, तो यहाँ पे जो टारगेट ग्रुप है वो फिर से सेम है, और यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी यहाँ पे सेम है। अब रेफरल सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेम वही टारगेट ग्रुप और आपको सर्विस प्रोवाइडर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्री स्कूल एजुकेशन की, तो स्वाभाविक सी बात है प्री स्कूल एजुकेशन जो है उसका टारगेट ग्रुप कौन होगा, वो आपके बच्चे ही होंगे जिनकी उम्र 0 से 6 ईयर ऑफ एज होगी। तो मतलब 1 साल वाला बच्चा कैसे वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 से 6 साल वैसे लिख सकते हो। तो ये जो है कौन सर्विस प्रोवाइडर इसको इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो ये आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट है यहाँ पे कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वेमेंस है आपकी 15 से 45 ईयर्स तक की एज की है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इस स्कीम को फंड पैसा कहाँ से आता है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो तो बहुत से अलग अलग पिलर्स पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो देखिए जो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है अगर उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसके लिए हम क्राइटेरिया देखेंगे क्या है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी दूसरे आपके पिलर्स हैं उसके लिए जो फंडिंग है उसका रेशियो क्या है, वो है 60-40, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, 50-50 रेशियो। दैट मीन्स कि अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी 50 रुपीज़ देगी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी 50 रुपीज़ देगी। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहाँ पर ये रेशियो चेंज होकर 90-10 हो जाता है। दैट मीन्स कि 90 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपीज़ जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट्स हैं, कितनी संख्या, कहीं इनकी संख्या 7 है कि 8 है, लेट मी कन्फर्म इन दी कमेंट सेक्शन। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अब यहाँ पे कैसे बेनिफिट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मील प्रोवाइड किया जाता है, बनी बनाई मील्स प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा घर ले जाने के लिए राशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो आपको न्यूट्रिशन लेवल जो है आपको ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है, मील जो है
क्या क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया को आधार मानते हुए आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, तो वो देखा जाता है आपका मल न्यूट्रिशन लेवल। तो बच्चे का मल न्यूट्रिशन लेवल कितना है उसको देखते हुए आपको ये मील वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। और ये साल में लगभग 300 दिनों तक ये सर्विसेज प्रोवाइड आपको करी जाती है। और बच्चों के लिए ये 8 रुपीज़ पर डे का प्रावधान है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की, तो उसके लिए 9.50 रुपीज़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। अब देखिए, जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही माल नरिश्ड हैं, ठीक है, ज़्यादा ही कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, तो उनके लिए 12 रुपये प्रतिदिन के आधार पे इनको ये पैसे दिए जाते हैं। और जितने भी एडल्ट एंड गर्ल्स हैं 11 से 14 ईयर्स की एज की, तो उनको 9.50 रुपीज़ पर डे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात, आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर हम बात करें, तो उनको कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इमरजेंसी कॉस्ट, जैसे कि रेफरल अरेंजमेंट्स करना हो, अगर मेडिसिन बहुत कम हो गए, यूटेंसिल्स वगैरह, तो इमरजेंसी कोई भी अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसे टैकल करने के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। आपको नहीं लगता है कि ये ग्रांट बहुत कम है? और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मेंटेनेंस ग्रांट के रूप में 2,000 रुपीज़ जो है ये प्रतिवर्ष इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो फिगर्स है ये थोड़ा सा बहुत कम आपको, मतलब कि देखने से ही लग रहा है कि ये रकम जो है ये बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, और आंगनवाड़ी जो आपके हेल्थ हेल्पर्स हैं उन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो इनकी जो सैलरी से देखिए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। तो पीछे न्यूज़ में ये बात आई थी कि इनकी सैलरी को हाइक किया जाएगा, अब अभी तक पता नहीं इनको किया गया है कि नहीं किया गया। लेकिन अगर हम अक्टूबर 2018 तक की अगर हम बात करें, तो इनकी सैलरी कितनी थी, जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उनकी सैलरी थी 4,500 रुपीज़ पर मंथ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, तो इनकी सैलरी थी 2,250 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, आपने याद रखना है। और इसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर बात करें, तो यहाँ के जो वर्कर्स थे उनको 3,500 रुपीज़ पर मंथ ये प्रोवाइड किया जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो दूसरे अलग अलग तरीके के इंसेंटिव भी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज जो है वो अपने रिसोर्सेज से भी कई बार एडिशनल जो ऑनर है इनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे और इंसेंटिव की बात करें, तो प्रतिवर्ष 300 रुपये इनको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म साड़ी जो है इनको दे दिया जाता है, या तो इनको साड़ी खरीद के दे दिया जाता है या फिर इनको कैश प्रोवाइड किया जाता है। तो आखिरकार क्या आधार है आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स है, इनको कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कहाँ पे इनको ओपन किया जाएगा? तो इसको पॉपुलेशन के बेस्ड पे इनको ओपन किया जाएगा। दैट मीन्स कि हर 400 से 800 की पॉपुलेशन पे आपको एक आंगनवाड़ी सेंटर का गठन करना पड़ेगा, और फिर 800 से 1600 की पॉपुलेशन के बीच में दो चाहिए, और 1600 से लेकर 2400 के बीच में आपको 3 आंगनवाड़ी सेंटर्स को ओपन करना पड़ेगा। और फिर बाद में मल्टीपल ऑफ 8s के हिसाब से, तो 800 का जो है मल्टीपल आप कर ही जाओ, ठीक है, उसके हिसाब से इनका जो नंबर्स है ये ऐड होते जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है ट्राइबल और रिवरिन डेजर्ट हिली और ये जितने भी दूसरे आपके डिफिकल्ट एरियाज है उसमें ये जो नॉर्म्स है ये चेंज हो जाता है। और ये 300 से लेके 800 की अगर पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे एक आंगनवाड़ी होना चाहिए, ये प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स की, तो इसके लिए पॉपुलेशन जो है वो 150 से लेके 400 तक का रखा गया है। और अगर हम बात करें आंगनवाड़ी ऑन डिमांड पे, जहाँ पे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं है, तो वहाँ पे कम से कम अगर 40 बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे भी आंगनवाड़ी जो ओपन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें इस तरीके की स्कीम को लेके आने की आवश्यकता ही क्यों थी। देखिए, जब ये स्कीम को लेके आया गया था, तो उससे पहले क्या था कि भारत में, इनफैक्ट अभी की भी अगर हम बात करें, तो सिचुएशन में इतना ज़्यादा सुधार आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, आप रियलाइज़ करोगे कि सभी बहुत ही वंचित है। तो जो सुविधाएं इनको बचपन में मिलनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन लेवल इनको मिलनी चाहिए, जो हेल्थ फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए, दरअसल इनको मिलती ही नहीं है। और ये साफ झलकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर इंडिया का आप देखोगे, जो कि 34 है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स की अगर बात करें, तो वो भी आपको 39 देखने को मिलता है। 25% अगर न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस की बात करें, तो वो अंडर वेट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो भारत में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, न्यूट्रिशनल लेवल जो है बहुत कम है, बच्चों को मिलता ही नहीं है इनिशियल एजेस में, टीकाकरण से संबंधित बहुत हम पीछे हैं, एजुकेशनल डेफिशिएंसीज तो आपको देखने को मिलता ही है। तो इन सभी चीज़ों को आधार मानते हुए, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी और इसको हमने अचीव करना है, इसको कम करना है, तो इसलिए हमें इस तरीके की स्कीम को लेके आने की आवश्यकता थी। चैलेंजेस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि 2005 की जो स्टडी है वो आपको बताती है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो था आपका,
ये इतना सफल नहीं रह पाया। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव हमने रखा था कि हमने रिडक्शन करना है माल न्यूट्रिशन में, हेल्थ जो है उसको हमने इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना है, तो हम उसको उस लेवल तक अचीव तो नहीं कर पाए, ठीक है। और ये अभी तक आप कह सकते हो कि इतने अच्छे लेवल पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर स्कीम को। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार अपने प्रयास को जारी रखे हुए है, और जैसा कि आप देख सकते हो 2018-2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे 16,335 करोड़ का यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा ही था, जिन जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं तो उन सभी को हम कम करना चाहते हैं, तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अगर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जितने भी इसके पिलर्स हैं उन सभी पे अगर अच्छी तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जितने भी हमने टारगेट्स रखे हैं उसको हम अचीव कर लेंगे, और यही इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि हालांकि अभी तक हम पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर स्कीम के जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे उसको हमने अचीव नहीं किया है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर प्रयास है और हमें इसमें लगे रहना चाहिए। और एक बार अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो न सिर्फ ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगा, बल्कि हम बच्चे जिसको कहते हैं कि वो कल का भविष्य है उसमें भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अब इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, करप्शन फ्री इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तभी हम इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको हम अचीव कर पाएंगे। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।